जब मैं यहाँ पे आया तो सिर्फ मैं था और मेरे एक कॉलीग थे प्रोफेसर अमीन चिनॉय। हम लोग जो है पेशेंट्स इमरजेंसी में देखते थे, उनको एडमिट करते थे, ऑपरेट करते थे, उनकी ड्रेसिंग्स चेंज करते थे, उनकी फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन से लेकर हर चीज़ हम खुद ही करते थे। अब माशाल्लाह से द डिपार्टमेंट नाउ इज़ 5 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, डिफरेंट सब स्पेशलिटीज़ उसमें हम अलग अलग से कर रहे हैं, और 16 रेजिडेंट्स हैं जिसमें से काफ़ी सारे फाइनल फेलोशिप एग्जाम्स तक पास करके जा चुके हैं। इंडस हॉस्पिटल को फ़ख्र का मकाम है कि हमने पहला फुली डेडिकेटेड प्रोग्रामेटिक क्लब फुट प्रोग्राम शुरू किया। इसमें सिर्फ बच्चे वो देखे जाते थे जो पैदाइशी टेढ़े पाँव के साथ पैदा होते थे, और प्लास्टर लगा के उनको हम ठीक करते थे। इस वक्त हमारे जो कोहोर्ट है उसकी डेटा हम एंटर करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के सर्वर्स में, तो हम ग्लोबल क्लब फुट प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट भी हैं। इस वक्त हमारा जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। अगर अल्लाह के फजल से अब हमारे जो इंडस हेल्थ नेटवर्क के हॉस्पिटल्स हैं जिसमें बदीन, मुजफ्फरगढ़ और लाहौर के जो क्लस्टर हॉस्पिटल्स हैं उन सब में ही पहला कदम का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, ताकि बच्चों को बहुत दूर जाना ना पड़े इलाज कराने के लिए, और हस्पताल करीब तरीन हो उनके घर के मोहल्ले के, ताकि वो करीब अच्छा इलाज करा सकें। अब डिपार्टमेंट जैसे हमारा बड़ा होता जा रहा है, तो इस हस्पताल जो करंट हमारी लोकेशन है उससे एक्चुअली बड़ा होता जा रहा है, उसमें फिट नहीं आ रहा। हम बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडस हॉस्पिटल का एक्सपेंशन जो हमारे कैंपस पे अभी बन रहा है, इंशाल्लाह 1100 बेड का होगा, जिसमें हम सबकी मदद और शिरकत को दावत देते हैं। जब वो बनेगा तो हमारा जो डिपार्टमेंट है इंशाल्लाह और एक्सपेंड होगा, और मज़ीद सुपर स्पेशलिटीज़ जो ऑर्थोपेडिक्स की हैं उसकी तरफ हम डाइवर्सिफाई होंगे, ताकि हम और बेहतर पाकिस्तानी ऑर्थोपेडिक सर्जन की ट्रेनिंग कर सकें।